क्या नाम है? विशेश्वर चौधरी। ये भूमिहार ब्राह्मण का महासम्मेलन है। आई पीला पीला गमछा ये उम्र में रखे, इसे पहले भी रखे थे कभी? ना रखे तो नहीं है। पहली बार मौका? पहली बार, पहला मौका। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जितना लगना चाहिए उससे भी बढ़िया। अब आप क्या सोच रहे हैं? कोशिश करेंगे कि एकता को मजबूत करें। ये गमछिया क्रांति का मिसाल माना जाता है बिहार में, और आप 70 साल के उम्र में जाने के बाद मिला है। हाँ, क्या लगता है क्रांति आएगा आपके तरफ से? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और आना भी चाहिए। क्या कहिएगा, कहाँ पहले थे और कहाँ अब आ गए? अब हम लोग इससे बाहर रहे, इसका कारण है कि हम लोग गांव में नहीं रहते थे, अब 1-1.5 साल से गांव में रहने लगे हैं, तब कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले जो सरकार में आप थे और अब है, दोनों में कई कितना अंतर लगता है? पहले अब सरकार दो तरह क्या है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं कि बिहार की बात कर रहे हैं? पहले बिहारे की बात कर ले। हाँ, तो भ्रष्ट है, इसके तो नाम ही लेना पाप है। क्या है पाप? बिहार सरकार का नाम लेना पाप है, भ्रष्ट है। अब इसके बाद मत बोलवाइए बिहार सरकार पर। ना बोलिए ना, कहाँ गलत है? ठीक है, तो समाज के लोग सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, यही तो कमी है ना हमारे समाज में, उसी कमी को तो दूर करना है, जो ये छोटी छोटी कोशिश हो रही है, कमियों को तो दूर करने के लिए हो रहा है। ये कमी रहा, कमी रह गया, एकता में कमी है, आपस में एकता नहीं है, लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, दूसरे फायदा उठाते हैं। आप जब एकत्रित होइएगा तो फायदा किसको कम होगा? फायदा किसको कम होगा? जो जो हमारा दुश्मन है उसको कम होगा। कौन है आपका दुश्मन? आप तो अनुभवी लोग हैं, खुल के बोलिए ना, काहे डरते हैं? नहीं, अभी खुल के बोलने का मौका नहीं आया है, खुल के बोलने का समय भगवान करे जल्दी आए, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं आया है कि खुल के बोला जाए। आप किनको सुनने आए हैं? किनको? आप यहाँ आए तो किनको सुनेंगे? नहीं आए हैं, एकता को मजबूत करने आए हैं। किनके? भूमिहार एकता को। नेता आपके कौन? नेता तो बहुत है दुनिया में, बहुत है भूमिहार में भी नेता, अभी उन्हीं को तो सुनेंगे देखेंगे। अभी नेता कौन? अभी तो आशुतोष जी आए हैं, उनको मानते हैं। कैसा लगते हैं? अच्छा लगता है, तभी तो आए हैं इतनी गर्मी सर्दी में। क्या राहुल जी आज समस्तीपुर में जुटे हैं? हाँ, जुटान तो किए हैं, आज समस्तीपुर में इसलिए जुटे हैं कि आज साल का पहला दिन, और अभी लोग पिकनिक मनाते कहीं जाके, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि समाज के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, सभी के सभी एक साथ जुट के एक सामाजिक पिकनिक मना रहे हैं। यानी कि उद्देश्य यही है कि इधर उधर जो जाना है उससे अच्छा है कि एकता दिखाना है। अरे आप रोज रोज इतना बड़ा बड़ा आयोजन करते, पैसा कहाँ से लाते हैं? ये समाज आज तक सबों का कार्यक्रम इसी समाज ने किया, इस समाज के पास जो भी पैसा है, समाज के हर घर से ये जितने भी हमारे बीच आए हैं, सबों का इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सहयोग है, और इस समाज के पैसे से ये कार्यक्रम है। हम लोगों का कोई फंडिंग नहीं होता है, कोई हमारे पीछे आका नहीं है कि हमें फंडिंग करेंगे, इसलिए कि हम उस समाज से नहीं आते हैं कि जिसको फंडिंग करके वो अपना राजनीति चमकाएंगे, इसलिए हम लोगों को पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो यही भीड़ है, यही समाज है, जो हमारे गार्जियन है, इन्हीं का 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया दे के यह कार्यक्रम हो रहा है। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके जाति से आते थे ललन सिंह जी, उनको कुर्सी पर से उतार के नीतीश कुमार जी खुद बैठ गए, यानी लठैती करने के वक्त में ललन सिंह को, और जब सुख भोगने का टाइम आया तो नीतीश जी को। देखिए, ऊपर वाले जो हमारे चेहरे हैं उन पे हम कुछ टिप्पणी करना ही नहीं पसंद करते हैं, खास करके स्थिति ये बन गया है इस समाज का कि हर पार्टी में कुछ न कुछ लठैत है, और शब्दों से उनको तीखा लग सकता है मेरे शब्दों से, कि वो स्वाभिमान है कि नहीं है पता नहीं, किसी वक्त अध्यक्ष बना दिया जाता है, कभी अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी पीछे पीछे वह पिछलगु के तरह चलेंगे, और उन्हें समाज के बारे में बोलने की उनकी ताकत नहीं है, वह बोल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अभी तो सिर्फ हटा दिए हैं,
उसको अगर पार्टी से भी हटा दे फिर भी वह पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। तो क्या लगता है कि एकदम मतलब कि चुप हो गए कि किसी भी स्थिति में रखिए रहेंगे आप ही के साथ? हाँ, उनकी स्थिति है, हम लोगों की स्थिति नहीं है। यहाँ जो बैठे हुए हैं हम सभी के सभी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आज तक हम लोग राजनीति करते थे और आज हम राजनीति के शिकार हो गए। हमें सिर्फ राजनीति करवाया जाता है, पहले हम राजनीति करते थे, अब हमारे ऊपर राजनीति हो रही है और कुछ लोग उनके पीछे बैठ के सिर्फ ठगने का काम हम लोगों को कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। यहाँ इतना बड़ा भूमिहार ब्राह्मण समाज का आयोजन करवा रहे हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, नव वर्ष के शुभ अवसर पर जितने भी भूमिहार ब्राह्मण हैं सबका मिलन समारोह है, जो कि कहीं एक दूसरे जगह जाते हैं सब पिकनिक मनाने के लिए, तो एक दूसरे नहीं जा करके एक जगह यहाँ पर आकर के इस मंच के तले और सब लोग पार्टी पिकनिक जो भी है उसी तरह से मिलन समारोह है ये। अच्छा, आए हैं भोज खाने के लिए? अब आए हैं, जब मिलन समारोह है तो सम्मान में तो उनको जिनको बुलाएंगे हम तो उनको भोज खिलाना पड़ेगा ना। भोजन खाने याद रखिएगा, ये सब जो चल रहा है बात की भूल जाइए। या तो सभी आदमी को रखना चाहिए और नहीं रखेंगे तो भूमिहार ब्राह्मण का दुर्भाग्य है, जो कि अगर एक साथ एक मंच पर इस ढंग से नहीं अगर करते हैं तो दुर्भाग्य है। आपका नेता कौन? आपका नेता आशुतोष जी। आशुतोष जी तो लगता है कि आपसे उम्र में भी छोटे? नहीं, उम्र में छोटे नहीं होंगे, उम्र में बड़े होंगे, लेकिन हम लोग जितने भी भूमिहार ब्राह्मण हैं उनको ये समाज के तो बहुत सारे नेता हैं, फिर आशुतोष कुमार के पीछे काहे दीवाना? आशुतोष जी भूमिहार ब्राह्मण के नेता हैं, इसलिए हम लोग उनके पीछे दीवाना है। आप उनको अपना नेता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कहता है कि जब भूमिहार के घर में लड़का पैदा होता है तो नाभि कटते के साथ रामविलास पासवान से बड़गर नेता हो जाता है, तो फिर जब घर घर में नेता है तो आशुतोष को कैसे नेता मान लेते? ये सब सबका अपना अपना सोच है, सोच के तहत सब लोग मानते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग उस सोच के नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एक साथ भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या नाम है? केशव कुमार।